नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नई एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में कि क्या इसमें अभ्यर्थियों को उम्मीद दें और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें कितने पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है और कब तक विज्ञापन आ सकता है, आएगा भी कि नहीं आएगा, वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए सारी चीज़ें हम इसका एनालिसिस एक करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सीटेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्राइमरी लेवल के लिए बहुत बेहतरीन गाइड बुक जारी की गई है। इसमें आपको लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कंटेंट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, साथ में 3000 से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको अध्यायवार हल सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ दो प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पुस्तक में बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए जिससे आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगी। ये सभी बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार बुक्स को जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत बेहतरीन बुक है। आप लोग जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से नई एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के समय समय पर अपडेट आती रहती है, आप द्वारा भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों वास्तविक स्थिति को अगर देखें तो पहले सबसे हम यहाँ पर बात करें कि पदों की संख्या के बारे में। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से आपको ये सारी सूचनाएं देखने को मिली होंगी कि माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8166 शिक्षकों की भर्तियां। ठीक है, अब इसको अगर डिटेल से पढ़े तो यहाँ पर जो अध्याचन वाले पद हैं वो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 5624 अध्याचन UPSC को भेजा जा चुका है और इन भर्तियों के सापेक्ष में कितने पद रिक्त हैं, तो 6470 पद पुरुष शाखा में रिक्त दिखाए गए हैं और 5624 का अध्याचन यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा है 853 पदों का अध्याचन अभी भेजा जाना शेष है। ठीक है, तो इसके अभी भेजे जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, हालांकि न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, तो ये देखा जाए तो ये भी पद अध्याचन के लिए पहुँच गए होंगे लोक सेवा आयोग के पास। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ लीजिए लगभग 6000 पद। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये न्यूज है एक, इसमें देखिए आया था जो पिछली एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी। ठीक है, जिसमें 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, और जिसकी 2018 में परीक्षा हुई थी इसकी 29 जुलाई को, तो इसमें देखिए 4009 पद रिक्त रह गए हैं। तो जो रिक्त पद रह गए हैं इन पदों को भी नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद रह गए हैं वो दोस्तों इन विषयों के लिए हैं, कंप्यूटर के और विज्ञान के। विज्ञान में मात्र 2% अभ्यर्थी ही जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए और सारे पद खाली चले गए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 23 अक्टूबर 2019 के घोषित परिणाम में 1673 पदों के सापेक्ष मात्र 26 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण 1637 98% पद खाली चले गए। विज्ञान के परिणाम में 1045 पदों से मात्र 84 का चयन हुआ। तो ऊपर जो बात बताई है कंप्यूटर विषय के लिए, नीचे जो बात बताई गई है वो विज्ञान के लिए। विज्ञान में 1045 पद यहाँ पर खाली रह गए हैं, ठीक है, पिछली भर्ती में, और कंप्यूटर में 1637 पद खाली चले गए हैं। तो 4009 पद ये जो बचते हैं, अन्य विषयों में गलत गणित में भी कुछ पद खाली गए हैं, तो 4009 पद यहाँ पर खाली गए हैं। तो अगर सारे पदों को जोड़ें लगभग 6000 के आसपास, 6500 जोड़ लीजिए, 4000 जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये होता है लगभग आपका 10,500 के आसपास। ठीक है, और अभी हाल ही में कल या परसों ही आपको एक न्यूज मिली होगी कि कुछ जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन भी हो गया है एलटी ग्रेड से प्रवक्ता में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 12 वर्ष बाद हुई DPC 794 सहायक अध्यापक बने प्रवक्ता। ये अभी एक दूसरे दो दिन पहले की ही यहाँ पर अपडेट है, राजकीय विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिली प्रोन्नति। तो जब ये सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड टीचर प्रवक्ता बन गए तो ये भी पद देखा जाए तो खाली हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के सारे पदों को जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 11,000 के आसपास पद बनते हैं। ठीक है, तो 11,000 अधिकतम पद आपके हो सकते हैं, इससे कम ही हो सकते हैं क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर पदों का आकलन किया जाएगा, अध्याचन भेजा जाएगा नए सिरे से, जो भी होंगे पद, जो पद खाली गए हैं, तो 10,000
के आसपास या 9000 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बढ़ती आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर देखें तो पदों की संख्या लगभग 11000 के आसपास है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पदों की संख्या के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, कब तक विज्ञापन आएगा? तो दोस्तों आज की वास्तविक स्थिति ये है कि सभी विभागों में सरकार जो है भर्तियों को भरने के लिए अनुमति दे चुकी है। इसी कड़ी में जो है लोक सेवा आयोग ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें मांग की है कि जो भर्तियां जो रिक्त पद है उनके सापेक्ष भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए। लोक सेवा आयोग से ये जो पत्र है लिखा गया है, सरकार जैसे ही अनुमति दे देती है तो उसके बाद भर्तियों का विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन हुआ था एलटी गेट को लेकर के, तो लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया था कि हमने पत्र लिखा है शासन को और जैसे अनुमति मिलती है उसके 15 दिन के बाद आप लोगों का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो सरकार के अप्रूवल पर है कि सरकार कब अनुमति दे देती है। अगर आज अनुमति दे देती है तो लोक सेवा आयोग का कहना है कि 15 से 20 दिन के अंदर हम इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। तो अगर अक्टूबर माह में आप लोगों की जो सरकार अनुमति दे देती है तो ये मान लीजिए नवम्बर में विज्ञापन आना निश्चित है, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिलती है तो फिर दिसंबर भी हो सकता है। हालाँकि चुनाव है, चुनाव को देखा जाए तो आपका अप्रूवल जल्द ही मिलेगा ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है। तो भर्तियां भी आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति मैंने आपको बताई। अब विज्ञापन आना या ना आना सरकार पर डिपेंड है, गवर्नमेंट पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद जो है वो है कि विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का आएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, भर्तियां तो आनी ही आनी क्योंकि चुनाव का समय है। तो आज की वास्तविक स्थिति से हमने आपको अपडेट कर दिया, अब आप किस उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।